संकल्प प्रतिष्ठान आमदार रवींद्र फाटक आयोजित रास गरब्यात आज बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध अभिनेते तुषार कपूर यांनी भेट दिली होती. दरम्यान बॉलिवूडमधील गरबा आणि हा प्रत्यक्षातला गरबा यात फार मोठा फरक असून वाहतूक कोंडी नसल्यानं मला इथे लवकर यायला मिळालं असं यावेळेस अभिनेते तुषार कपूर यांनी म्हटलं आहे. आणि याच संदर्भात त्यांच्यासोबत संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी शुभम कोळी यांनी, आपण पाहूयात. संकल्प प्रतिष्ठानच्या नवरात्र उत्सवाला आज बॉलिवूडचे सुप्रसिद्ध अभिनेते तुषार कपूर यांनी भेट दिली आहे. माझ्यासोबत तुषार कपूर आहेत. तुषार जी, हर साल आप यहां पर आते हो, कैसा आपका और संकल्प का नाता है? मैं कई बार आया हूं इधर पहले, इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, और आज बहुत मजा आ रहा है, खासकर नवरात्रि के अवसर पर आकर. और आज ट्रैफिक भी नहीं मिला मुझे, और बस बहुत सुख शांति, एक पॉजिटिविटी है एटमोस्फेयर में, और माता के दर्शन भी कर लिए तो अच्छा लग रहा है. अब हर साल यहाँ पर आते हो, बॉलीवुड का गरबा और संकल्प का गरबा, इसमें आपको क्या मतलब दिखा? इसमें मुझे लगता है कि रियलिटी है, सच्चाई है. बॉलीवुड का गरबा जो हम फिल्मों में देखते हैं वो थोड़ा बना दिया जाता है. यहाँ जो हम देखते हैं वो लोगों का प्यार, लोगों की असलियत है, और माँ के प्रति जो हमारा जो हमारी जो श्रद्धा है वो बहुत सही तरीके से जाहिर होती है यहाँ पर. तुषार जी, आपको हर साल यहाँ पर देखा है, आप देखा जाए तो 7 से लेके 8 से लेके 9 के बीच में आते हो, लेकिन आज जल्दी आप इतने जल्दी आए, इसका मतलब क्या रीजन है? एक्चुअली 2-3 जगह भी जाना है और जगह, तो इसलिए शायद ट्रैफिक कम मिल गया तो हम जल्दी आ गए, लेकिन फिर भी काफी लोग हैं तो ठीक है. संकल्प प्रतिष्ठानच्या नवरात्र उत्सवाला अनेक बॉलिवूड अभिनेते असतील, अनेक सिने कलाकार जे आहेत ते भेट देण्यासाठी. आता अशातच जे आहेत ते बॉलिवूडचे सुप्रसिद्ध अभिनेते तुषार कपूर जे आहेत त्यांनी या संकल्प प्रतिष्ठानच्या दांडिया नायकांसाठी भेट दिलेली आहे. शुभम कोळी, लोकशाही मराठी, ठाणे. लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा.